हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है टेलीस्कोप। क्या चल रहा है? टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में भी बहुत सारे टेलीस्कोप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल का भी दो केस था, टेरेस्ट्रियल का भी दो केस था। एस्ट्रोनॉमिकल में दूर की चीज, खगोलीय चीज, दूर की चीज हमें दिखाई देती थी, उल्टी दिखाई देती थी। अब चूंकि खगोलीय चीज थी, चंद्रमा था, कोई भी मंगल ग्रह था, वो उल्टा दिखाई दे या सीधा दिखाई दे, इससे हमें कोई असर नहीं पड़ता था। पर जमीन की चीज यानी पृथ्वी की चीज देखने के लिए अगर हमको कोई चीज उल्टा दिखाई देगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमने बनाया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसलिए हमने क्या बनाया? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, आप जो भी चीज पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हम बोल रहे हैं, आप जो भी चीज पढ़ते हैं वो आपको क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि आप सबको एक दूसरे के साथ मिला के नहीं देखते हैं। बहुत बच्चे का ये सवाल भी है, तो बीच में होगा, किसी समय टाइम मिलेगा तो हम ये एक्सप्लेन भी करेंगे कि चीजें पढ़ने के बाद कैसे याद रखी जाए, कैसे याद रखी जाए। आज का जो क्लास है, आज जो पढ़ेंगे, आज हम लोग बहुत ही एक महान वैज्ञानिक के नाम पर टेलीस्कोप पढ़ेंगे, जिसका नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या नाम है? गैलीलियन टेलीस्कोप। इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी है, इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी है। तो एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए। ध्यान से सुनिए, पहली बात तो ये इटली के वैज्ञानिक थे, इटालियन, ठीक है। दूसरी बात कि इनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1642 ईस्वी में हुआ था। और ये जो टेलीस्कोप इन्होंने बनाया था, ये खोजा नहीं था, बनाया था। खोजने और बनाने में अंतर है, हम बार बार बोलते हैं, ठीक है। ये टेलीस्कोप इन्होंने बनाया था और ये बनाया था 1609 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1609 में ये इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। और ये इनका आपको बताए कितना, 1564 से 1642, 1564 से 1642। और संयोग देखिए, 1642 में ही न्यूटन साहब का जन्म हुआ था। मतलब जिस साल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक गए, उसी साल एक दूसरे बहुत बड़े वैज्ञानिक आए। और आज देखिए संयोग कैसा है कि आज गैलीलियन टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे और आज न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे। बात समझ गए? इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि ये किस टाइप के थे, ये किस टाइप के थे, ये चीजों को, चीजों की सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। इनसे पहले लोगों का मानना था कि पहली बात तो पृथ्वी फ्लैट है, ठीक है, एकदम फ्लैट, गोल नहीं है, और पृथ्वी ही केंद्र है पूरे यूनिवर्स का। लोग क्या मानते थे? पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, सब लोग यही मानते थे। इन्होंने अपने टेलीस्कोप से देख करके, पहली बात तो बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह को इन्होंने खोजा था कि सबसे बड़ा ग्रह में से एक बड़ा ग्रह है, में से क्या बड़ा ही ग्रह है, और दुनिया जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, वो लोग कहते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। पर इन्होंने बोला कि पृथ्वी एक छोटा सा कण है यूनिवर्स का। बात समझ में आई? और यह केंद्र नहीं है। यह बात उस समय के पोप और लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके चलते कि इन्हें अधर्मी कह के मार दिया गया। बहुत तरह की बात है, कुछ लोग बोलते हैं सूली पे चढ़ाया गया, और एक और भी कहानी है कि ये बहुत हट्टे कट्टे थे, तो इनके चारों, दोनों हाथ, दोनों पैर में चार घोड़े, मजबूत घोड़े बांधकर एक साथ दौड़ा दिया गया था। यानी इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बहुत ही बेदर्द मौत मारा गया था। परंतु यह बाद में बहुत बड़े वैज्ञानिक साबित हुए। तो
दोस्तों इससे एक सीख भी मिलती है कि हो सकता है कि जब आप किसी के सामने हो, जब आप जिंदा और हम बार बार बोलते हैं, जब कोई चीज आपके सामने अवेलेबल होता है तो आपको उसकी महत्व का अंदाजा नहीं होता है, जब वो चीज हाथ से निकल जाती है तब उसके महत्व का अंदाजा होता है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। समय जब हाथ से निकल जाएगा तब आप जरूर एक दिन जिंदगी में कभी ना कभी ये बोलते पाए जाइएगा कि काश मैंने उस समय का सदुपयोग किया होता है। तो ये भी प्रवचन ही हो गया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गैलीलियन टेलीस्कोप बहुत ही सुंदर है। कल बहुत बच्चे कह भी रहे थे कि अवतल लेंस, कंकेव लेंस क्यों नहीं उपयोग होता है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे डायग्राम से। स्टार्ट किससे करेंगे? डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जो थ्योरी बहुत लिखना होगा थोड़ा बहुत वो लिखेंगे। ध्यान से सुनिए सबसे पहले। अच्छा, अगर आज आप देखिएगा सारे टेलीस्कोप में एक ही जैसा बात है, इवन माइक्रोस्कोप में भी एक ही जैसा बात है। सब में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आप देखते हैं पहला लेंस से इमेज बनता है और वो दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। पहला लेंस से इमेज बनता है और दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये है आपका पहला लेंस, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए, इतना बात तो आप लोग कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। पृथ्वी पर ही गैलीलियन टेलीस्कोप भी एक प्रकार का कौन सा टेलीस्कोप है पता है आपको? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसको आप बोल सकते हैं। पूछिए क्यों? इनसे भी ना सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसको आप बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन इसी टेलीस्कोप का इन्होंने उल्टा देखने के लिए भी, मतलब सॉरी, खगोल में देखने के लिए भी यूज किया था, इसलिए इसका एग्जैक्ट नाम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं पड़ा, पर इसका उपयोग हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के रूप में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। चलिए रेल आते हैं, रेल आए, ठीक है, और ये घटा। अब दूसरा एक पैरेलल रेल आए, ये ध्यान दीजिए, यही ये पॉइंट, इसको थोड़ा और डार्क बनाते हैं, थोड़ा और डार्क बनाते हैं प्लीज दोस्त। लास्ट बार मिटा रहे हैं, इसके बाद हम कभी नहीं मिटेंगे, ऐसा नहीं है, कभी भी मिटा सकते हैं। ये देखिए, ये हुआ। अब इसको लेते हैं, हाँ अब ठीक, अब ठीक। चलिए ध्यान दीजिए यहां, तो यह क्या है मेरा, यह ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर। इतना बनाने में किसको किसको प्रॉब्लम है वो हाथ उठाइए, उठाए, हमको नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, इतना समझ सबको समझ में आया, ठीक है। ये जगह क्या होगा पता है? ये जगह होगा एफ ओ। ये बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर। ये है मेरा कौन सा? ऑब्जेक्टिव। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई कंफ्यूजन बोलिए? नहीं है। और तो यहां से यहां तक इसका क्या हुआ? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, थोड़ा बड़ा भी बना चलेगा। अब देखिए, अब देखिए, हमको चाहिए इससे बड़ा इमेज, वर्चुअल। क्या चाहिए? वर्चुअल, क्योंकि मेरा आंख क्या देखेगा? वर्चुअल। ध्यान से देखिए, मेरा आंख क्या देखेगा? वर्चुअल, ठीक है। इस एंगल को हम अल्फा बोलते थे पहले भी, आज भी अल्फा बोल सकते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? देखते जाइए कितना चीज मिलता जुलता है, कितना चीज मिलता जुलता है अल्फा, ठीक है। इस वो एच होगा तो ये क्या होगा? एच डैश। इतना में कोई कंफ्यूजन? अब क्या करते थे, अब क्या करते थे, कल तक क्या करते थे? यहां एक और उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस लगा देते थे। कहां? यहां एक और कन्वेक्स लेंस लगा देते थे, ठीक है। यही चीज समझना, आज हम यहां एक कन्वेक्स लेंस लगा नहीं लगा करके यहां एक कनकेव लेंस लगा देंगे, यहां एक कनकेव लेंस लगा दिए। अब देखिए, अब गौर से देखिए, ये रे आ रहा है, कन्वर्जिंग आ रहा था। कनकेव का काम क्या है मेरे दोस्त? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है कि कन्वर्ज करता है? आप बताइए क्या करता है, डाइवर्ज करता है हाँ या ना?
तो ये जो कन्वर्ज होते हुए आ रहा था, अब देखिए ये नहीं था तब तो यहां जाके मिल जाता, हाँ या ना, अब ये आ गया तो अब क्या यहां जाके मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब ये क्या होता है, अब ये यहां से डाइवर्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। अब अगर इसको ऊपर की ओर ले जाया जाए तो यहां पर एक इमेज फॉर्म होता है, और यहां पर मेरा क्या है, ये तो अब डैश डैश वाला लाइन हो गया, इसको मिटा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब यहां क्या है, मेरा आंख, यानी कि गौर से देखिए ये आंख को ना, ये आंख को ये वाला इमेज दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पर, उसको बनाया ये वाला लेंस, यहां अपने फोकस पर इमेज बनाया, बीच में हम क्या डाल दिए, एक दूसरा लेंस जो कि कनकेव है, और अब ये आई के पास है, इसीलिए इसका नाम रख दिए आई पीस। क्या नाम रख दिए, आई पीस। कोई कंफ्यूजन, बोलिए। अच्छा, अब जानते हैं कि ये कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज जैसे किया तो ये पीछे जाके कहीं मिलेगा, तो ये इमेज क्या बन गया, काल्पनिक, ये इमेज क्या बन गया, काल्पनिक, ये इमेज क्या बन रहा था, बना नहीं, क्या बन रहा था, वास्तविक, समझ गए, लेकिन ये इमेज क्या बन गया, काल्पनिक। तो दिस इज द फाइनल इमेज, इसको आप एच डबल डैश कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, अरे बोलिए भाई, किसी तरह का कोई दिक्कत, पक्का क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, एक और रे यहां से यहां तक मिला सकते हैं, मिलता ही है, आपको पता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। किसी को कोई कंफ्यूजन, बीटा एंगल क्या होता था, बीटा एंगल क्या होता था, इमेज, इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ठीक। अल्फा, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी बोल दीजिए, जल्दी, पक्का, ठीक। चलिए ध्यान से सुनते हैं, अब याद कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, यहां से इमेज बना, यहां एक लेंस बीच में लगा दिए, वो रे को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, फाइनल इमेज मेरा यहां बन के रेडी हो गया। ध्यान से सुनिए, अब यहां से यहां तक आपको पता है क्या है, इसका फोकल लेंथ, ठीक है। तो चलिए अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू होता है बीटा बाय अल्फा, मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ एक जैसा है, बीटा बाय अल्फा। अच्छा, बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू होगा एच डैश बाय ए डिस्टेंस, ठीक है। इसको ई अगर बोलेंगे, इसको कुछ भी बोलेंगे, एफ ओ ई, हाँ या ना, इसको हम मान लेते हैं कितना, एक्स। ध्यान से सुनिए, हर बार मानते थे एक्स, चलिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया, एच डैश बाय एक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक, पहला। अच्छा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू गौर से देखिए, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की अगर बात सोची जाए, इस जगह से यहां तक, तो ये क्या है, एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एच डैश बाय एफ ओ, हाँ या ना, एच डैश बाय एफ ओ, इक्वेशन टू, ठीक है। तो मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, मैग्निफाइंग पावर इक्वल टू हो जाएगा एच डैश बाय एक्स इंटू एफ ओ बाय एच डैश, एच डैश एच डैश कैंसल, एमपी इक्वल टू एफ ओ बाय एक्स, एमपी इक्वल टू कितना आ गया, एफ। आप गौर से देखिए तो जितना भी टेलीस्कोप बनाए हैं, जितना भी टेलीस्कोप बनाए हैं, ठीक है, उसमें सब में यही चीज आया है कि नहीं, एफ ओ बाय एक्स, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। सारे में जो भी बनाते हैं उसमें बीटा का मान यही आता है, गौर से जाके देख लीजिएगा, और अल्फा का मान भी यही आता है सब में, तो ये सारा सारा क्या है, सेम है, सारा क्या है, सेम है, बस हमको समझने की देरी है, यही प्रॉब्लम है। अगर हम, अच्छा, कोई आदमी ये देख रहा है
पिछला को याद नहीं रख रहा है, उसको यह भी याद रखना मुश्किल होगा, वो भी याद रखना मुश्किल होगा। जो आदमी पिछला याद रखे हुए किसी तरह एक बार कोशिश करके पिछला याद रख लिया, उसके लिए पिछला भी याद रखना आसान हो गया। यही बिलावा ये बात ही बच्चे को समझाते हैं। बच्चे का साथ क्या है, हम बोलते हैं कि तुम पहला सीढ़ी पे स्ट्रांगली कदम रखो तो दूसरा सीढ़ी पर तुम आसानी से चढ़ सकते हो। लेकिन बच्चा क्या करता है कि बच्चा हर बार दो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है या तीन सीढ़ी, पहला दूसरा नहीं। आप पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा, सब में ये सेम है। अच्छा देखिए, ये भी एक्स निकालना सेम होगा, अभी हम आपको समझाते हैं। गौर से देखिए, ये क्या निकालना, एक्स निकालना है, जिससे कि फाइनल इमेज जो बन रहा है वो कितना डिस्टेंस पर बन रहा है, डी डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर। ये केस वन का फोटो हुआ, ये किसका हुआ, केस वन का। केस वन में क्या बनता था, इमेज बनता था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर। तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट हमको पता है एक्स, इमेज पता है डी, और इसका फोकल लेंथ होगा कुछ एफ ही, पर इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। ये बात तो आपको जान पता है, कंकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। इतना बात ध्यान से सुनिए, अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो क्या करते थे, हम लगाते थे फ्रॉम आईपीस, आईपीस से हम फॉर्मूला 1/v-1/u=1/f। बोलिए सब कुछ एक जैसा है कि नहीं, ठीक है। वी के जगह पे क्या है, माइनस डी, तो 1/-d माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1/fe। ये क्या ले लेंगे, माइनस, अरे हाँ या ना, देखिए ध्यान से। अब देखिए इसको किधर करते हैं, इधर, तो क्या आ गया, माइनस 1/x, माइनस 1/x इक्वल टू 1, इसको अभी माइनस नहीं लेते हैं, बाद में पुट करेंगे, 1/d प्लस 1/fe। बोलिए 1/d प्लस 1/fe। अच्छा अब क्या होगा, 1/x इक्वल टू, गौर से देखिए, 1/d प्लस 1/fe, आगे में लगा सकते हैं माइनस, यही चीज हम यहां क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो एमपी इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए एमपी इक्वल टू क्या आ गया, एफ ओ इंटू 1/x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/d प्लस 1/fe, बाहर एगो क्या रहेगा, माइनस। एमपी इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं इससे, इससे एफ ही बाहर कर ले, तो माइनस एफ ओ बाय एफ ही। गौर से देखिए क्या, माइनस एफ ओ बाय एफ ही, 1 प्लस एफ ही बाय डी। बात समझ में आई, यही क्या हो गया हमारा, मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर, क्या हो गया माइनस। गौर से देखिए, पूरे कैलकुलेशन में आपको किसी दूसरे से सेम, जो चीज दूसरे में पढ़ते थे वही चीज इसमें भी पढ़े, हूबहू चीज, ठीक है, कोई चीज अलग नहीं है। तो आपको अगर पिछला याद है तो ये भी याद है, नहीं तो अगर ये ही सीख गए तो पिछला भी सीख जाइएगा, तो दोनों में कोई भी सीख गए तो चलेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड गैलीलियन टेलीस्कोप, ये हुआ इसका क्या, एमपी, ये क्या हुआ, एमपी। अब चलिए लेंथ, लेंथ बोलिए तो कितना होगा, लेंथ, गौर से देखिए लेंथ क्या होगा इस बार, एफ ओ माइनस एक्स, क्या होगा, एफ ओ यहां से यहां, देखिए लेंथ इतना ही होता है, लेंथ कहां से कहां होता है, यहां से यहां, लेकिन यहां से यहां तक एफ ओ है और ये एक्स है, यहां से यहां 20 मीटर और ये 2 मीटर, तो इतना दूर कितना मीटर को, 18 मीटर, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ माइनस एक्स, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ माइनस एक्स। बस खाली ये डायग्राम सही होना चाहिए, कोई चीज गलती नहीं होगा। अब आते हैं किस पे, केस टू पे, अब किस पे आते हैं, केस टू पे। केस टू में क्या होगा, केस टू में क्या होगा, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, यानी सब कुछ यही करना है, इसको पैरेलल कर देना है और ये मिटा करके ये लाइन ऐसे करके पैरेलल चला जाएगा, तो फाइनल इमेज एट, इमेज एट कहां, इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ही, क्यों, जब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर, ये बात पता है।
तो एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, एमपी इक्वल टू हो जाएगा, एमपी इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ई। यही हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ या ना, बोलिए, एफ ओ बाय एफ ई, क्लियर। अच्छा अब ध्यान से सुनते जाइए, लास्ट बात, एक चीज यहां पे खाली आपको ध्यान रखना है, क्या इसमें फाइनल इमेज क्या बन रहा है, सीधा, लेकिन एफी का जब मान रखिएगा, एफी का जब मान रखिएगा तो एफी का मान तो निगेटिव में रखिएगा, और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो लगेगा क्या कि मैग्नीफाइंग पावर उल्टा है, मैग्नीफाइंग पावर उल्टा है, निगेटिव है। पर अगर हम यहां माइनस दे दें, या तो इसको दो तरह से बुक में लिखा रहता है, ध्यान दीजिए, या तो यहां माइनस दे दीजिए, या लिखा रहता है एफ ओ बाय मॉड एफ ई, क्या लिखा रहता है, एफ ओ बाय मॉड एफ ई। तो ध्यान से रखिएगा कि अगर आप माइनस यहां लगाइएगा तो यहां लगेगा, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए पॉजिटिव, ये याद रखिएगा सिर्फ फाइनल, क्यों क्यों, क्योंकि इमेज क्या बन रहा है, सीधा। अब चलिए, अब इसमें पूछेगा लेंथ, अब लेंथ पूछेगा, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ इन, तो जब इंफिनिटी पे बनेगा तो ये फोकस है, तो एफ ओ माइनस ये वाला डिस्टेंस माइनस, तो ये क्या है, ये एफ ही है, ये पूरा एफ ओ है, और इंफिनिटी पे बनने के लिए ये क्या होगा, एफ ही, तो हम लिखेंगे एफ ओ माइनस मॉड ऑफ एफ ही, क्या लिखेंगे, एफ ओ माइनस मॉड ऑफ एफ ई। माइनस में मॉड इसलिए लगा दे रहे हैं कि एफ ई का मान निगेटिव होता है, अगर आप निगेटिव कर दीजिए तो जुट जाएगा। मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसका फोकल लेंथ हुआ 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो 100 प्लस 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110, हाँ या ना। अच्छा तो माइनस करना है, लेकिन इसका तो फोकल लेंथ कितना होता है, माइनस 10, बात समझ रहे हैं, तो 100 और माइनस 10, लेकिन क्या लीजिएगा, मैग्नीट्यूड, तो 90, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 90। इतना का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा, किसी बच्चे का सवाल है कि ये क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए, ये इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें टेरेस्ट्रियल सीधा देखने के लिए 3 लेंस का उपयोग किया करना पड़ा था, इसमें कितना लेंस का उपयोग करना पड़ा, सिर्फ 2 लेंस का, कितना लेंस का, सिर्फ 2 लेंस का, इसलिए इसको पढ़ते हैं कि 2 लेंस का उपयोग करके भी हम लोग सीधा इमेज देख सकते हैं, बात समझ में आई, ठीक है, इतना कोई कंफ्यूजन। अब हम यहां पे इसका नाम तो आपको लिखा हुआ होगा, अब हम इसका लिखते हैं इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान एक बार में इसलिए बताते हैं कि आपको एग्जैक्ट समझ में आए क्या देखना है, क्या जानना है, ध्यान से सुनिए। अगला है क्या हमारा इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज आज हम लोग सारा टेलीस्कोप पढ़ लेंगे, गैलीलियन पढ़ रहे हैं, इसके बाद न्यूटोनियन, और फिर से ये कल हम बहुत बच्चे से, कल बहुत बच्चा चूंकि लाइव भी था तो हमको भी लगा कि नहीं भाई, हो सकता है कि बहुत बच्चे का किसी रीजन से छूटता होगा, तो कल हम बहुत सारे बच्चे के कहने पर बहुत सारा वीडियो पब्लिक किए, ठीक है, फिर आज अब नहीं करेंगे क्योंकि हम आज कुछ खास बात नोट किए, ठीक है, तो यही देखिए, अब जो भी मैसेज करेगा, अगर रिपीट वाला मैसेज होगा या कुछ भी होगा, तो फिर ये रोज रोज तो संभव नहीं है, ये याद रखिएगा, और आज हम सारा पढ़ा देंगे आपको, हम अभी भी बोलते हैं, आप यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं, हमको क्या है, मेरे लिए तो अच्छा होगा कि आप दूसरे जगह से ही पढ़ के तेज हो जाइए, हमको क्या है, बात समझ गए, तो जहां आपको अच्छा लगेगा आप पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन रहेगा नहीं, ये पहले ही बताते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे आज सारा, इसके बाद न्यूटोनियन पढ़ाएंगे, उसके बाद कैसेग्रेड पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
विच इज यूज्ड टू सी द फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड इरेक्ट। ठीक है, यह एक ऐसा प्रकाशकीय यंत्र है, यह एक ऐसा ध्यान से सुन के जल्दी से लिख लीजिए, यह एक ऐसा प्रकाशकीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु को साफ साफ और सीधा देख सकते हैं, दूर की वस्तु को साफ साफ और सीधा देख सकते हैं। यह हो गया क्या इसका इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनते जाइए, ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद है इसका प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्निफिकेशन ड्यू टू वन कन्वेक्स लेंस एंड अदर कनकेव लेंस। ठीक है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है, यह उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के संयोजन के द्वारा, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के संयोजन के द्वारा उत्पन्न आवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्पन्न आवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, यह सब चीज अगर अभी भी आप अपने मन से नहीं लिखिएगा तब परीक्षा में आप लिख नहीं पाइएगा, क्योंकि कितना सारा याद कीजिएगा, आप पूरा सिलेबस देख के तो देखिए संभव ही नहीं है सब एक साथ रट लेना। ठीक है, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या है, कोशिश करना चाहिए कि अपने लैंग्वेज में लिखें क्या हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए जितनी ईमानदारी से उतनी करते हैं, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है देखिए पढ़ाई का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं कि हमको क्यों नहीं याद रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका तरीका। अब तरीका में खामी हम आपको दिखाते हैं, पहला तरीका का खामी, अपने से कुछ नहीं करने की कोशिश करना, फर्स्ट। सेकंड, कोशिश भी करना तो जब सर पढ़ाया हुआ बहुत दिन हो गया तब कोशिश करना, दिमाग से पूरा निकला हुआ रहता है, ब्लैंक नजर आता है, चीजों से इंटरेस्ट घट जाता है। हम बच्चों को देखते हैं कि आज दिए हम असाइनमेंट तो वो बनाएगा 20 दिन बाद, अरे बेवकूफ। आज अगर आप जितने भी बच्चे हैं, अच्छा और एक चीज, जितने भी बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हम दिए हैं, ठीक है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का, अभी अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो 50-60-70% ऑब्जेक्टिव एकदम एक बार में बन जाएगा, लेकिन वही कोई बच्चा 10 दिन बाद देखेगा ना, उससे 10% भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ये बात सत्य है कि गलत है? अगर कोई बच्चा बनाया है, ट्राई किया है, तो वो जरूर चैट में बोले कि क्या आपको लगा कि बनाने में बहुत आसान है क्लास करने के जस्ट बाद, हां या ना। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि आप क्लास करने के साथ साथ मेहनत करें, क्लास करने के साथ साथ, हम क्लास में भी ये बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, एक गाड़ी को धक्का मारना है, एक बार हम धक्का मारेंगे फिर थोड़ा देर बाद आप आके धक्का मारिएगा तो गाड़ी चलने की ज्यादा संभावना है कि दोनों एक साथ धक्का मारेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ मारे, लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि आप और हम साथ रह ही नहीं सकते। फिजिक्स में तो ये एकदम लागू ही है, एकदम 100%, क्योंकि चीजें दमदार होती है, इसमें मैथ है, इसमें केमिस्ट्री है, सब कुछ है, दिमाग लगता है। तो पहली बात, आप कसम खा लें कि हम रोज पढ़ेंगे, जो सर पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड तो रोज पढ़ेंगे, पीछे का पढ़े ना पढ़े वो बात की बात है। अच्छा, और आज सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं हम, किस चीज का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसका आंसर रेडी कर चुके हैं,
हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं जो भी एक्चुअल में सीखना चाहते हैं वो क्या करें, वो कम से कम 40 नंबर तक क्वेश्चन आज बनाने की कोशिश करें, और आज रात में 10-11 बजे तक हम उसका आंसर आपको देंगे, और आप आंसर मिला के देखिएगा कि कितना सही हुआ और आपका कितना गलत। क्योंकि जैसे ही आंसर आ जाता है, हम शुरुआत में आंसर इसलिए नहीं देते क्योंकि बच्चा आंसर मिलाना शुरू कर देता है। उस सब चीज हम सब कुछ बोलते हैं अच्छे के लिए, बच्चा सब कुछ करता है खराब के लिए। क्यों पता नहीं, वो खुद भी नहीं सोचता है हम ऐसा क्यों है, वो सोचता ही नहीं है। वो सोचेगा तो वो खुद भी शॉक हो जाए या तो सुधर भी सकता है। बात समझ में आई? तो कितने बच्चे ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, जल्दी बोलिए। बना लीजिएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन, देयर आर टू लेंसेस फिटेड इन अ ट्यूब, द लेंस towards object is कैसा होता है लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो कैसा होगा, वो होगा convex and of large focal length। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर भी देखिएगा ऑब्जेक्टिव में होगा। अब देखिए, अभी आपको कितना छोटा सा बात लगा कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, ये कितना छोटा बात लग रहा है, हाँ या ना? ऑब्जेक्टिव में यही चीज घुमा के पूछा हुआ होगा। तो लार्ज फोकल लेंथ इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर लेंस इज अनदर लेंस विच इज टूवर्ड्स आई इज कनकेव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अब देखिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ, स्मॉल फोकल लेंथ, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा। अच्छा, अब ये भी सवाल पूछता है, जानते हैं एक बात, ये जो इमेज बनता है इसके चलते, ये इमेज इसके फोकल प्लेन के बाहर बनना चाहिए। यानी देखिए कितना जबरदस्त बात है, फोटो में बढ़िया एग्जामिनर यही चीज चेक करेगा कि बच्चा यहां पे एफ ई और यहां पे एफ ओ दिया है, कि ये सोच के इधर एफ ओ दे दिया है उधर एफ ई दे दिया है, नहीं, इसका एफ ही जो होगा इसके जहां ये बना रहा है उसके थोड़ा अंदर ही होगा, यानी इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा है। जैसे इसका फोकल लेंथ अगर 100 हुआ ना, तो यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर हुआ, इसका 10 सेंटीमीटर होगा। बात समझ रहे हैं? और ये 10, ये बाहर होगा, ये 100 10 से बाहर होगा। बात समझ गए? इतना बात समझ में आई? तो इसका फोकल लेंथ छोटा है और इसका फोकल लेंथ बड़ा है, और इसके फोकल प्लेन के अंदर है इसका फोकल प्लेन। बड़ा इंटरेस्टिंग वाला बात है, यही सब चीज ऑब्जेक्टिव में आज जाके बनाइएगा ना, खटाखट खटाखट लगेगा, सब याद है। लेकिन यही 3-4 दिन बाद भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ लगेगा कि अरे क्या पढ़े, तो इंटरेस्ट ही ना खत्म हो जाएगा उससे। इससे मेरा घाटा नहीं होगा, मेरे पास तो कोई दूसरा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा चले कोई बात नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपका तो पूर्ण घाटा है। विच इज टूवर्ड्स आई इज कॉन्केव ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड इट इज कॉल्ड आई पीस। तो ये किस चीज में लिखिएगा, ये आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में। ये किस चीज में लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा कि दो लेंस एक नली में फिट रहते हैं, दो लेंस एक नली में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। द लेंस टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, जो लेंस वस्तु की तरफ होता है वह उत्तल लेंस होता है और उसका फोकस दूरी बड़ा होता है, और जो लेंस और उसे अभिदृश्यक कहते हैं,
जो लेंस आई की तरफ रहता है, आंख की तरफ रहता है, उसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है और यह अवतल होता है। यह क्या होता है? अवतल होता है। इसे नेत्रिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेत्रिका कहते हैं। क्लियर? ठीक। अब यह हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम जान रहे हैं कि आप पे ऑनलाइन क्लासेस का बहुत दबाव है, लेकिन फिर भी आप सोचिए तो आपका बहुत समय बच रहा है कि ऐसे भी दो क्लास होने ही लगता है। आप भागलपुर में होते भी, आप ऑफलाइन क्लास में भी होते भी, जाने आने का समय अलग, खाना बनाने का समय अलग, वो सब बच रहा है आपको। और एक फायदा हो रहा है कि अगर आप रेगुलर रहिएगा तो हम पब्लिक भी रखेंगे वीडियो, और आप एक बार नहीं दो बार देख सकते हैं जब मन होगा। पहली बार एक बार क्लास में देख लिए और दूसरी बार थोड़ा फास्ट करके इंपॉर्टेंट बात देख लिए, तो इससे आपका फायदा होगा। सारा चीज फायदे का है, लेकिन आप क्या करते हैं कि मेन क्लास ना करके बढ़ा बढ़ा के ही देख लिए, जो फायदा होना था वो उल्टा घाटा में बदल गया। ये आप करते हैं? आप अपने दिल से पूछिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वर्किंग क्या होगा? वर्किंग होगा कि पहले लेंस के चलते उसके फोकल लेंथ पे इमेज बना, फोकस पे इमेज बना, और दूसरा लेंस उसी इमेज का एक सीधा, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ? उल्टा। और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ? सीधा। ये भी चीज बहुत ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि पहले लेंस से जो इमेज बना वो उल्टा बनेगा कि सीधा, तो आप बोलिएगा उल्टा, और दूसरे लेंस से जो इमेज बना वो उसका उल्टा, यानी कि टोटल का सीधा। बात समझ में? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स इमेज ऑन इट्स फोकस, ऑन इट्स फोकस। देखिए बार बार बोल रहे, प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होने दीजिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होने दीजिएगा। अगर होगा तो हम फिर से बता देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स इमेज ऑन इट्स फोकस, ध्यान से सुनिएगा, ऑन इट्स फोकस एंड दिस इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, सो फाइनली वी गॉट एन इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट इमेज। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन और एट इंफिनिटी, और एट इंफिनिटी। तो एक केस है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, और केस वन फाइनल, इसमें स्ट्रेंड आई होगा, उसमें रिलैक्स्ड आई होगा, यही है इसका वर्किंग, और ये है इसका मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसका ऑब्जेक्टिव के लिए आप रेडी होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एक पढ़ेंगे कैसेग्रेन और फिर पढ़ेंगे न्यूटोनियन। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है, ये जो दोनों जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का टेलीस्कोप है, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग परावर्तक टाइप। तो आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में इस पे भी रहता है, और सब में नीट जी में सब में परावर्तक पे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा। ये सारा चीज आपको क्लियर कर दिए हैं, अगर आप डायग्राम बना लीजिएगा कभी कोई गलती नहीं होगा। अगर डायग्राम नहीं बना पाइएगा कुछ भी गलती हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, केस टू का डायग्राम हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बनाएं, हमको व्हाट्सएप करें, कुछ नहीं है इसको, दोनों को ये सब कुछ वैसा ही होगा, इस दोनों को पैरेलल कर देना है और इसको पैरेलल ले जाना है, मिलाना नहीं है, दैट्स ऑल। अगर आप
स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम दिखा भी सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है इसको सेकेंड केस के लिए, ये जो दोनों है ना ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा और इससे जो रे निकले पीछे जाएगा वो भी क्या हो जाएगा पैरेलल, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा इन्फिनिटी। दैट इज द डिफरेंस, आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ये हमारा क्या था गैलीलियन टेलीस्कोप, क्या था गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, हम कैसे ग्रेन पढ़ेंगे फिर न्यूटोनियन भी पढ़ेंगे, आज सारा टेलीस्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा बाद के लिए, अगर अभी मेहनत नहीं कीजिएगा ना कभी संभव ही नहीं अच्छा मार्क्स ट्वेल्थ में एक महीना पढ़ के नहीं आ सकता। बच्चा जो भी बहुत बच्चा ऐसा होता है जो कि टेंथ में लाया रहता है 80% दो महीना मेहनत करके, तो उसको लगता है कि जब हम टेंथ में दो महीना मेहनत करके 80% ले आए हैं तो ट्वेल्थ में भी ले आएंगे। लेकिन आप रिकॉर्ड है, आप किसी भी अपने दोस्त से पूछिए, अपने भैया से पूछिए कि क्या ट्वेल्थ में दो महीना मेहनत करके 80% आ सकता है, आप जवाब सुनिएगा कि जवाब है नहीं, ट्वेल्थ में दो महीना मेहनत करके 80% नहीं आ सकता है, क्योंकि ट्वेल्थ का जो सिलेबस है ये टेंथ के सिलेबस से पांच गुना बड़ा है। बात समझ रहे हैं, एक एक यूनिट उसके एक एक पूरे बुक के बराबर है। जितना फिजिक्स आपको पूरा पढ़ना था ना उतना क्लास, ये जो दो महीना क्लास दिए उतना दिन में टेंथ का दो बार फिजिक्स पढ़ा देंगे, तो उतना ही छोटा उसका सिलेबस है। उससे अगर इसका कंपेरिजन कीजिएगा तो अपने आप बाद में उल्लू बन के रह जाइएगा और फिर रिजल्ट ठीक नहीं हो पाता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बड़े मजे से पढ़ाएंगे आपको, फिर आपको फील कराएंगे कि क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनिए बड़ा मजा आएगा। ठीक, परावर्तक दूरबीन, ठीक है परावर्तक दूरबीन किसको कहते हैं ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए तो अभी तक जितना भी दूरबीन, फिर देखिए सर बार बार अभी तक एग्जैक्टली यही है रियल कॉन्सेप्ट। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक दूर की वस्तु को हम फोकस पे बना ले रहे थे इमेज। तो बताइए तो अगर लेंस बना सकता है, लेंस दूर की वस्तु को फोकस पे इमेज बना सकता है, तो क्या मिरर नहीं बना सकता? बोलो तो दोस्त, मिरर भी तो दूर की वस्तु को बनाता था कि फोकस पे नहीं, क्या ये बात आपके ब्रेन में आया, हाँ या ना बोलो। अरे बोलो, ये अपने फोकस पे बनाया तो ये भी अपने फोकस पे बनाया, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आई, बोलिए। लेंस भी बनाता था, वही काम कौन कर रहा है, मिरर भी करता है कि नहीं करता है, तो सवाल ये उत्पन्न हो सकता है ना, सवाल ये उत्पन्न हो सकता है ना कि क्यों हम तब लेंस ही उपयोग करते हैं, क्यों नहीं मिरर उपयोग कर लेते हैं, ये सवाल तो उत्पन्न हो सकता है। पहले तो हम लोग मिरर पढ़े थे, तो मिरर का उपयोग कर लीजिए, वो भी तो बना सकता है फोकस पे, ये भी बना सकता है। परंतु अब गौर से सुनिए, अब सोचने वाली बात है, लेंस में अगर लेंस में आपको कोई चीज इमेज दिखना देखना होता है, गौर से देखिए, लेंस में इमेज देखना होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर ऑब्जेक्ट रहता है और इसका इसी साइड इमेज बनता है, हाँ या ना। आप यहां आंख लगा करके क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पर मिरर के केस में ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार है, मिरर के केस में भी ऐसा होता है, याद है, इसको ऐसे कीजिए, यही सब चीज आपको याद आने लगेगा तो समझिए आपको मजा आने लगेगा। है देखिए, एक ही जैसा चीज है कि नहीं है, इसमें इधर बना, इसमें उधर बना, इसमें उधर बना था, इसमें इधर बना था, उल्टा होता है खाली मिरर और लेंस में। लेकिन आप बोलिए दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए आपको अपना मुंडी यहां रखना पड़ेगा, मतलब सर अपना यहां रखना पड़ेगा, तब तो देखिए यहां सर किस साइड है, इस साइड, और यहां सर किस साइड रहना पड़ेगा इस साइड। तो अगर पीछे से रे आ रहा होगा तो आपका सर क्या करेगा, उस रे को क्या कर लेगा, ढक लेगा। ध्यान से सुनिए, लेंस के केस में क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है और यहां आपका सर है, तो रे पहुंच गया, ठीक है,
और इसमें क्या होगा, अगर सोचिए इंफिनिटी से आ रहा है, आपको अपना मुंह इधर रखना पड़ेगा, तो इंफिनिटी से आने वाले रे को ही तो आपका मुंह क्या करेगा, रोक लेगा कि नहीं, यहां मिरर है पीछे से आ रहा है, रोक लेगा कि नहीं, हां या ना, ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, सही सही बोलिए, ये बात सबको समझ में आई। मिरर के केस में रे को ही कौन रोक लेगा, मिरर के केस में रे को क्या करेगा, रोक लेगा, हां या ना, अपना ही सर रे को रोक लेगा, और लेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। बात सबको समझ में आई, यही प्रॉब्लम है कि मिरर का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप एक बनाया गया जिसमें कि दिमाग लगाया गया, क्या किया गया, दिमाग लगाया गया, करेंगे तो हम मिरर ही यूज, अब कुछ कुछ सोचते हैं, ध्यान से देखिए, और बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है, ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, इसका मैग्निफिकेशन वगैरह आपको नहीं निकालना है, हम पहले ही बोल देते हैं, बाद में हमको तंग मत कीजिएगा, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन वगैरह नहीं निकालना, इसका कंस्ट्रक्शन समझना है और डायग्राम समझना है, ध्यान से सुनिए। अब क्या करते हैं, तो एक ना बहुत बड़ा सा कंकेव लेंस ले लेते हैं, कंकेव मिरर, ठीक, कोई दिक्कत, अब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, रे आ रहा है, रे आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, देखते जाइए, अब यहां कहीं ये रे मिलता, बोलो ना भाई, हां या ना, आज आपको मिरर भी फिर से रिपीट मार दिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, इतना बात सबको समझ में आ गया, बहुत सूर्य है, बहुत दूर है उसका, यहां पे इसके फोकस पे बनता, अब हमको इसको देखना है, देखेंगे तो यहां लाएंगे मूवी, तो फिर रे ही आना बंद हो जाएगा, उतना रे तो आ नहीं पाएगा, बात को समझिए, और ये बन रहा है कौन सा, ये कौन सा इमेज बन रहा है, रियल, ये कौन सा इमेज बन रहा है, रियल, रियल इमेज को क्या डायरेक्ट आंख से देख सकते हैं, नहीं, यहां मुंडी रख भी देंगे तो डायरेक्ट हम आंख से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि है क्या, रियल, अब ही दिमाग लगाना है, बात समझ गए, और रे आ रहा होगा, सोचिए और भी रे आ रहा होगा, ठीक, वो भी कहां जा रहा होगा, इसी पे मिल रहा होगा, अरे हां या ना, यही तो बात है, हां या ना, ये दो, ये सब मार्जिनल रे है, ठीक है, अब हमको इस चीज का पहले तो कैसा इमेज चाहिए, इस चीज का इमेज हमको वर्चुअल चाहिए, क्या चाहिए, वर्चुअल, काल्पनिक, और काल्पनिक कौन बनाता है आपको पता है, काल्पनिक कौन बनाता है आपको पता है, नहीं पता है, ये वाला लेंस, ये वाला मिरर, सॉरी बार बार लेंस बोल रहे हैं, ये वाला मिरर, उत्तल दर्पण, कौन, उत्तल दर्पण, अगर हम क्या करते हैं, मजेदार एकदम, दिमाग देखिए कैसे लगाता है वैज्ञानिक, ये परेशानी आ चुका है, अब वैज्ञानिक क्या दिमाग लगाया, यहां पर डाल दिया एक उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी बार बार बोल रहे हैं, यहां पे क्या डाल दिया, उत्तल दर्पण, अब ये उत्तल, जैसे ही ये रे अब यहां आएगा, यहां ना पहुंच के ये टकरा के वापस लौट जाएगा, और यहां पर एक छोटा सा कर दिया जाता है होल, देखिए ब्रेन कैसा यूज किया गया है, ठीक है, यहां पे क्या कर दिया होल, अब जो ये रे आया, ये ऐसे और ये ऐसे, बात समझ में आई, अब इससे जो हुआ, अब देखिए तो ये जो बन रहा है, अगर इसको पीछे खींचा जाए, पीछे खींचा जाए तो एक वर्चुअल इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, अब यहां लगा दिया गया क्या, आईपीस, यहां लगा दिया गया आईपीस, ऐसा एक आईपीस, और वो क्या करता है, वो रे को सीधा करके आंख पर पहुंचा देता है, दिस इज कॉल्ड कैसेग्रेन टेलीस्कोप, दिस इज कॉल्ड कैसेग्रेन टेलीस्कोप, इसको कहते हैं आई पीस, ठीक है, इस मिरर को कहते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर, क्यों इसका नाम पड़ा ऑब्जेक्टिव मिरर,
क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलने वाला डायरेक्ट कहां पे आता है, इसी मिरर पे, और इसमें इधर तो है कलई किया हुआ, तो इस पे तो डायरेक्ट आने का, इस पे तो कुछ चमकने का संभावना नहीं, इससे टकरा के इस पे आएगा, हाँ या ना बोलो, इससे टकरा के इस पे गया और यहां से टकरा के किधर गया, यहां, और यहां एक बना दिए क्या होल, और होल के बाहर क्या लगा दिए आईपीस, दिस इज कॉल्ड क्या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में पहला इसको कहते हैं कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। कहीं भी आप देखिएगा 99% बुक्स में सिर्फ ये डायग्राम बनाया गया है, ज्यादा कुछ नहीं लिखाया जाता है, थोड़ा बहुत हम आपको इसके बारे में जरूर लिखा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं, पर इसमें जो वैज्ञानिक दिमाग लगाया वो समझने वाली बात है। दिमाग क्या लगाया कि हम यूज करेंगे दर्पण यूज करेंगे तो दिक्कत है कि दर्पण से या तो रियल इमेज बनेगा, नहीं तो बीच में कुछ आ जाएगा तो दिक्कत है। तो अब क्या किए कि इसको, इसका बहुत बड़ा सतह ले, परावर्तक बहुत ढाई मीटर अपर्चर होता है द्वारक, बहुत बड़ा सा मिरर लेते हैं ये, ठीक है, और ये बहुत छोटा अपर्चर का मिरर, और अब इसके बीच में ये रख दिए जिससे कि ये रे को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, तो ये तो यहां नहीं पहुंच गया, इसको डैश डैश कर दीजिएगा मेरे दोस्त प्लीज, ठीक है, तो यहां तो ये पहुंच नहीं पाया, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ यहां पर लगा दिए आईपीस क्या किया, उसी इमेज को आपको वर्चुअल बना के दिखा दिया, वही उसी इमेज को क्या कर लिया गया, वर्चुअल बना करके दिखा दिया गया। ये दोनों जो लेंस है, ये जो दोनों लेंस है वो कटा हुआ लेंस है, क्या हुआ है, कटा हुआ, इसके बारे में उतना डिटेल में आपको जानकारी की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एकदम दूसरा इसी तरह का मिलता जुलता है, इसीलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ये कौन बनाए थे, न्यूटन साहब, सब कुछ न्यूटन साहब भी सेम दिमाग लगाए थे, पहले यही बना था, ये हमको लगता है 1662 में बना था, नहीं 68 में, बात समझ रहे हैं, 1642 ईस्वी में न्यूटन साहब का जन्म हुआ था, कब, 1642 ईस्वी में न्यूटन साहब का जन्म हुआ था, 26 साल की उम्र में इन्होंने न्यूटोनियन टेलीस्कोप का निर्माण कर दिया था। आप सोचिए क्या आप 26 साल में कुछ कर पाइएगा, आप पीछे से हमको भी बोल सकते हैं क्या आप 26 साल में क्या क्या कर लिए थे सर, बात ये सत्य है कि हम भी कुछ नहीं किए थे 26 साल की उम्र में, लेकिन मोटिवेशन तो इसी को कहते हैं कि जब एक इंसान 26 साल की उम्र में कोई चीज खोज सकता है, हम 18 साल की उम्र में उसको समझ नहीं सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं, हाँ या ना, 26 साल की उम्र में एक लड़का, 26 साल की उम्र में एक लड़का जो कि यहां बिहार पुलिस के लिए दौड़ रहा होता है, वो टेलीस्कोप का आविष्कार कर देता है, हम टेलीस्कोप समझ नहीं पाते हैं, तो विचित्र बात यह भी है कि हमारा जो सोचने का नजरिया है, तजुर्बा है, वो धीरे धीरे घटता था। अब ध्यान से देखिए, पहले बना था न्यूटोनियन, उसी को देख करके बनाया गया है कैसे ग्रहण, अब हम पहले ही बता देते हैं, बना था न्यूटोनियन, उसी को देख करके बनाया गया था, तो न्यूटोनियन में क्या किया गया था, न्यूटोनियन में इससे भी इजी ब्रेन लगाया गया था, अब ध्यान दीजिए, सब कुछ यही था, है देखिए, ये मिरर बहुत बड़ा सा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इन्फिनिटी से आएगा रे, तो कहीं ना कहीं तो फोकस होना चाहेगा, अरे बोलो तो, हाँ या ना, ये कहीं ना कहीं तो फोकस होना चाहेगा, हाँ या ना, यहां फोकस होना चाह, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। अब क्या किया गया किनके द्वारा यहां पर एक प्लेन मिरर लगा दिया गया, यहां पर क्या लगा दिया गया, एक प्लेन मिरर, क्या लगा दिया गया, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से अब फिर ये रे यहां पहुंच नहीं पाया,
और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये इस साइड जाता है और यहां लगा रहता है एक आईपीस। यहां क्या लगा रहता है? एक आईपीस। और वो आईपीस क्या करता है? वो आईपीस क्या करता है उसका? ये कन्वेक्स लेंस का आईपीस है। किसका? तो इससे कट जाता है रे और ऐसे इस तरह से। ध्यान से देखिए, इस दोनों आईपीस में अंतर हम खाली आपको समझा दे रहे हैं। इसके आईपीस में रे कटा नहीं है और इसके आईपीस में रे कट गया है, ठीक है। और यहां पर है आपका आंख, ठीक है। यहां पर आपका क्या है? आंख। दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दिस इज कॉल्ड कैसेग्रेन। दोनों में क्या अंतर है? इसमें जहां पर उत्तल दर्पण यूज किया गया है, इसमें वहां पर प्लेन मिरर यूज किया गया है। कितना डिग्री पर? एट 45 डिग्री पर। तो रे जैसे उधर से आ रहा था प्लेन मिरर से, उसको मोड़ करके इधर ले लिया, क्योंकि कैसे देखता? न्यूटन साहब सोच लिए थे, हमको देखना तो है ही। कल ही एक बच्चा हमको बताया था कि आपको बार बार अगर दिक्कत होता है कटने का, ठीक है, कि भाई कट हो जाता है तो आप पीछे एक मिरर लगा लीजिए। एग्जैक्टली यही ब्रेन तो लगाया, पीछे दो मिरर लगा लीजिए। एग्जैक्टली यही ब्रेन कौन लगाए? न्यूटन साहब। कि आ रहा है, अब हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, तो बीच में हम एक ठो क्या लगा दिए? मिरर। सोचिए, सूर्य से कोई रे आ रहा होगा, एक मिरर लगा दिए कनकेव, ठीक है, वो फोकस किया, बीच में एक दूसरा मिरर लगा दिए। तो जो फोकस करके इसमें टकरा रहा है, वो टकरा के नीचे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? वो टकरा के कहां पहुंचा? नीचे। और नीचे लगा दिए आईपीस, आईपीस में देख लिए। आईपीस मतलब एक लेंस होगा, सिंपल समझिए, एक या दो लेंस का कॉम्बिनेशन से आईपीस बनाया गया होगा और उससे वो इमेज उनको दिखाई दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैसेग्रेन टेलीस्कोप, दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसके कैलकुलेशन को नहीं पढ़ना है हम लोगों को, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो आई होप ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब देखिए इसमें क्या लिखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा? देयर इज अ लार्ज कनकेव मिरर ओरिएंटेड towards object and a convex mirror placed at कहां पर? At convex mirror placed between कहां से कहां तक? Mirror and focus, बस इतना ही, mirror and फोकस, ठीक है। अब वर्किंग में क्या लिखेगा? बस इतना, ये आप बना दिए, बस इसमें से जो जो चीज पूछेगा बता दीजिएगा। ठीक, जो कैसेग्रेन टेलीस्कोप है उसका जो परावर्तक होता है वो कैसा होता है? तो बोलिएगा कनकेव मिरर होता है, बात समझ गए। बीच में जो होता है इंटरमीडिएट मिरर वो कैसा होता है? तो बोलिएगा उत्तल होता है, बात समझ गए। ये कैसा इमेज बनाएगा? ये रियल इमेज बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। आईपीएस से देख लेते हैं, उसमें भी वही चीज, कितना डिग्री पर रहता है? तो 45 डिग्री पर, बस यही तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो वर्किंग इसका क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इसका वर्किंग होगा कि इमेज फॉर्म्स एट फोकस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज डाइवर्टेड बाय कन्वेक्स मिरर, विच इज डाइवर्टेड बाय कन्वेक्स मिरर एंड सीन बाय आई पीस, ठीक है। बस
लिख लीजिएगा, एक बहुत ही बड़ा अवतल दर्पण रहता है, ठीक है, जो वस्तु की तरफ किया हुआ रहता है, और एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और उसके फोकस के बीच रखा रहता है, दैट्स ऑल, ठीक है, और एक आईपीस रहता है, बीच में होल रहता है, ये भी लिख दीजिएगा प्लीज, ठीक है। और वर्किंग, पहले के चलते जो इमेज बनता है उसको ये डाइवर्ट करता है और आईपीस के द्वारा हम इमेज को देख लेते हैं। इसमें भी सिमिलर चीज है, इसमें भी सिमिलर चीज है, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन हम लिख दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या यूज होता है, ठीक है, देयर इज अ लार्ज कनकेव, देयर इज अ लार्ज कनकेव मिरर ओरिएंटेड ओरिएंटेड टुवर्ड्स oriented towards object, oriented towards object, a plane mirror placed at 45 degree between focus and concave mirror, ठीक है, इतना सा ही रहने दीजिए इसको, ठीक। आई होप ये वाला जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इसको ज्यादा आप ये नहीं सोचिए कि ये एकदम एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जो तीन टेलीस्कोप पढ़ाए आपको, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई, इफेक्ट्स ऑफ आई, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, और फिर इस पे बहुत सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पीछे का भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बचा हुआ है, तो बहुत सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हिंदी लिखने की कोशिश करें, इसी बहाने थोड़ा सा इंग्लिश भी मजबूत होगा, थोड़ा लैंग्वेज मजबूत होगा। एक बार मेरी बात मान के देखें, एक बार अपने मन से लिखने की कोशिश करें। अब आपके सामने क्या है, वीडियो है, आप वीडियो चला करके अपने मन से भी लिखने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा, आपको इससे बहुत फायदा होगा, प्लीज बात मान लो, प्लीज बात मान लो। हम उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो बच्चे की पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते, जो बच्चे रखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात को समझिए और ऑब्जेक्टिव बना के रखिएगा। हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, एटलीस्ट 40 नंबर तक, आप 50 नंबर तक भी बना सकते हैं, 50 नंबर तक भी बना सकते हैं, टोटल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 57 ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। अगर किसी को कुछ बोलना हो, किसी का कोई डाउट हो मन में तो आप बोल सकते हैं, किसी का कोई डाउट है मन में तो बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी आंसर मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी आंसर मिल जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव बना लें। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, जो भी कहीं के भी बच्चे हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बस खाली पब्लिक रखने के लिए अनुरोध मत कीजिएगा, बाकी आपके सारे अनुरोध को हम मान लेंगे। एक क्वेश्चन बच्चा पूछा, जो भी बच्चा है हम नाम बोल देते हैं, सरकार ऑन द पावर, सुनिए, सिर्फ डी उन्होंने पूछा है कि इस डी डिस्टेंस पर क्यों बनता है। अगर आप पहला दूसरा क्लास सुने होंगे तो आप देखे होंगे कि हमने बताया था, ध्यान से सुनिए, पहला दूसरा क्लास में हमने बताया था कि डी पर ही नहीं बनता है, वो कहीं पर भी बन सकता है, उस पर क्वेश्चन भी बताया गया है। तो
डी पर बनने का मतलब क्या हुआ कि सबसे जो क्लोज बन सकता है वो डी है, डी से इंफिनिटी तक कहीं भी बन सकता है। सरकार जी के लिए बात हो रहा है, सर डी से इंफिनिटी तक कहीं भी बन सकता है, मिनिमम डी पे बन सकता है, मैक्सिमम इंफिनिटी पर बन सकता है। सरकार जी अगर आप बात को सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। क्लियर हुआ सरकार जी? अच्छा वेरी गुड। अब एक बच्चे का है ऋतिक रोशन, गैलेरियन टेलीस्कोप में सर कनकेव यूज किए हैं जबकि उसमें अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन रहता है। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अब ये सवाल ही बेवकूफ वाला है, माफ कीजिएगा, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन सब में रहता है। ये जो बनाया गया है परावर्तक वाला जो है उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं रहता है, बाकी सब में रहता है। ठीक है, तो अवतल लगाएंगे तब भी होगा, उत्तल लगाएंगे तब भी होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना के लगाते हैं। कैसा बना के? अक्रोमेटिक मतलब अवतल जहां लगा रहे हैं ना। इस चीज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो बच्चे मौजूद हैं इसको मिटा रहे हैं, जो बच्चे मौजूद हैं उसके लिए हम बता देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का बात है, बच्चे जो रुक रहे हैं वो देख लें, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एक उत्तल लेंस लगाना होता है, ठीक है, मान लीजिए इसका की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आप सोच रहे थे, ठीक है, तो असल जीवन में अभी जो किया जाता है, कि दो लेंस लिया जाता है, एक उत्तल और एक अवतल, और इस दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है 30 सेंटीमीटर, जो कि अवर्नक कॉम्बिनेशन में हम आपको बताए थे ओमेगा 1 बाय एफ 1 प्लस ओमेगा 2 बाय एफ 2 इक्वल टू 0 और 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2 इक्वल टू 1 बाय एफ इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, अब देखिए इतना बेहतरीन वो क्लास था, आप मिस किए इसीलिए इस तरह का कंफ्यूजन मन में आना शुरू हुआ। ये देखिए ये दोनों मिला करके इससे हम एफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव अभी हम अभी जो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव वगैरह यूज होता है वो इस तरह के लेंस, एक उत्तल होता है एक अवतल होता है, दोनों मिला करके, लेकिन ये ओवरऑल एक उत्तल लेंस के जैसा उपयोग होता है। अब जब अवतल यूज किए थे हम अभी गैलेरियन में, ठीक है, तो मान लिया जाए अवतल का हम 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला यूज करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का बात है, वही बच्चा समझ पाएगा जो बच्चा की रेगुलर क्लास किया हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर का यूज करने वाले हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक उत्तल इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, ये बन रहा है मेरा आईपीसी, ये क्या बन रहा है आईपीस, ठीक है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट जो है 10 सेंटीमीटर अवतल जैसा व्यवहार करेगा, किसके जैसा, 10 सेंटीमीटर अवतल जैसा। यही बात है चश्मा में भी, तो यही चीज करते हैं, लगाते हैं अवतल, ठीक है, लेकिन वो ओवरऑल अवतल के जैसा व्यवहार करता है, उसमें अवतल के साथ उत्तल मिलने के बावजूद भी वो अवतल के जैसा व्यवहार करता है। अब वो कैसे करेगा अगर वो सोचिएगा तो एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिए। ये एक अवतल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लीजिए और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर लीजिए, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, गौर से देखिए, 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 10, असल में होता है 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2, तो प्लस और यहां क्या होगा माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 20 हुआ, 1 माइनस 2 तो 1 बाय एफ ही, गौर से देखिए तो एफ ही इक्वल टू कितना हो गया मेरे दोस्त, एफ इक्वल टू कितना हो गया माइनस 20, देखिए 2 माइनस 1 माइनस 1 ऊपर गया माइनस 20, यानी कि ये दोनों मिलाने के बावजूद भी यह एक अवतल लेंस के जैसा काम कर रहा है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इस पे और भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख सकते हैं अगर मन हो तो, जिस भी बच्चे को मन हो अगर रुका हुआ हो, क्योंकि यह सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। मान लिया जाए आपको बोला कि एक लेंस है ये और एक लेंस है ये, ठीक है, ये है उत्तल ये है अवतल,
ठीक है। लेकिन अगर इसका 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हुआ और इसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हुआ, तो ये जो दोनों मिला के है ये कैसा उपयोग करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा 1/FE = 1/F1 + 1/F2, यानी कि 1/10 और -1/20। गौर से देखिए, क्योंकि प्लस और ये अवतल है, तो अब ये गौर से देखिए ये कैसा होगा, ये होगा 20, 2 - 1, तो -1/20 = 1/F equivalent, यानी F equivalent equal to कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मिला के एक उत्तल लेंस का ही जैसा काम करेगा, जिसका फोकल लेंथ कितना हो 20 सेंटीमीटर। तो कहीं भी अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का यूज करना है हमको, तो हम उसके जगह इसके जगह पे ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों से अवर्णक कॉम्बिनेशन बन जाए, अगर ये इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो ये सब चीज है, बहुत तो ही हाई लेवल की बातें हैं। हाई लेवल कुछ नहीं है, बात है कि पीछे का आपको याद होना चाहिए, और वही हाई लेवल होता है। पीछे का याद नहीं है तो बात खत्म, बात खत्म। आप अपने दिल से सिर्फ पूछिए ना, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक साकेत जी, आपको हम फोन करके क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका वाला क्वेश्चन सब लोग देखा नहीं होगा, वो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट है। थैंक यू काजल जी। सर प्लेन मिरर और कंकेव मिरर कैसे ग्रेन दोनों में होगा, तो कैसा इमेज होगा? ठीक है, दोनों में वर्चुअल इमेज ही होगा, और जो आईपीस के द्वारा देखा जाएगा। न्यूटोनियन टेलीस्कोप का अभी तुरंत समझाए कि न्यूटोनियन और कैसोग्रेन, कैसेग्रेन का आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल तो सकते ही है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। निकालने के लिए आईपीस का जो है उसको और गुना, इसके चलते जो मैग्नीफाइंग होगा वो दोनों को गुना करना होगा, M1 × M2, ठीक है। तो चलिए अब हम बस करते हैं, बाय बाय, बहुत हो गया, ठीक, चलिए बाय बाय, फाइनल बाय। अब मिलेंगे शाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आज से कूलम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत बार बार बच्चे को बोल रहे हैं कि वो उसको भी अब देखना शुरू करें, नहीं तो खुद ही पछताएंगे, ठीक है, बाय। Miss you too. Bye bye.